नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कॉच के बीज के फायदों के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो हम में से बहुत कम लोग इस कॉच के बीज के बारे में जानते होंगे। आज हम आपको इसके फायदे बताने वाले हैं। कॉच एक बहुत ही उत्तम औषधि के रूप में काम करता है। कॉच एक प्रकार की लता होती है। इसका उपयोग कई रोगों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि कुष्ठ रोग, योनि और खून से संबंधित बीमारियों में कॉच लाभदायक होता है। जंगली कॉच घने और भूरे रंग के होते हैं, जिन पे की बहुत सारे रोए होते हैं। अगर यह शरीर पर लग जाए तो बहुत तेज खुजली और जलन होने लगती है। इससे सूजन भी हो सकती है। कॉच की फलियों के ऊपर बंदर के रोम जैसे रोम होते हैं, जो कि कई नामों से जाना जाता है। इसे कांच कॉच, खुजनी, हॉर्स आई बीन, वेलवेट बीन आदि इसके कई नाम हैं। आज हम आपको कॉच के फायदे और इसके उपयोग बताने वाले हैं। कॉच के सेवन से दस्त का इलाज आसानी से किया जा सकता है। सभी चीज बराबर मात्रा में, बला, शाल पर्णी, कॉच की जड़ और मुलेठी सभी बराबर मात्रा में लेकर पेस्ट बना लें। इसको घी में पका लें। घी की 5 ग्राम मात्रा में शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इससे शूल वाले दस्त में लाभ मिलता है। अच्छी नींद लेने के लिए कॉच के बीज के फायदे। सभी के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में नींद संबंधी परेशानियों के लिए भी कॉच के बीज का प्रयोग किया जाता है। रोगों का इलाज इससे आसानी से किया जा सकता है। लकवे में भी कॉच का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। उड़द, कॉच के बीज, अरंड की जड़, बलामूल का काढ़ा 10 से 30 ml बना लें। इसमें ये सभी बराबर मात्रा में आपको मिक्स करना है। इसमें हींग और सेंधा नमक मिलाकर पीने से लकवे में लाभ मिलता है। कॉच की जड़ और जिंजीरनिका यानी कि जिंगना के पत्तों के रस को 1 से 2 बूंद नाक में डालें। इससे ग्रीवा यानी कि जीभ, बाहु यानी कि भुजा और कंधे से लेकर कोहनी तक के रोग ठीक होते हैं। 1 माह तक नियमित कॉच के बीज का रस 10 से 20 मिलीलीटर पीने से अवबाहुक रोग ठीक हो जाते हैं। नपुंसकता के लिए कॉच के बीजों के फायदे। महिलाओं की तरह पुरुषों को भी इनफर्टिलिटी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण मोटापा, धूम्रपान, शराब का सेवन और हार्मोनल बदलाव हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कॉच के बीज इस समस्या का उपचार कर सकते हैं। इस विषय पर इनफर्टाइल पुरुषों पर किए गए एक शोध की रिपोर्ट के अनुसार कॉच के बीज के सेवन से स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं के काउंटर में सुधार देखा गया है। ऐसे में इसका उपयोग न सिर्फ शुक्राणुओं को नुकसान होने से बचा सकता है, बल्कि कॉच के बीज मानसिक तनाव और स्ट्रेस को भी कम करने में सहायक होते हैं और इनफर्टिलिटी की परेशानी से बचाव करते हैं। मासिक धर्म विकार में भी कॉच के बीजों से लाभ मिलता है। कॉच के बीज की खीर बनाकर खिलाने से मासिक धर्म के विकार में लाभ होता है। मधुमेह के लिए कॉच के बीज के कई फायदे हैं। कॉच के बीज के फायदों की बात करें तो ये डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। चूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्षों से मधुमेह के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह काम करता है। यौन शक्ति की वृद्धि के लिए, डिप्रेशन से बचाव के लिए कॉच के बीज के फायदे। आज के वक्त में लोग मूड में बदलाव और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में वक्त रहते इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। डिप्रेशन जैसी समस्या के लिए भी कॉच के बीज का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। कॉच में एंटी डिप्रेस गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में कॉच का सेवन डिप्रेशन से बचाव या उसे कम करने में सहायक सिद्ध होता है। बिच्छू के डंक मारने पर कॉच के बीज के फायदे। कॉच के बीज को पीस लें। इसे बिच्छू के डंक वाले स्थान पर लगाने से बिच्छू का विष उतर जाता है। काम शक्ति बढ़ाने के लिए भी कॉच के बीज बहुत फायदेमंद साबित होते हैं।
दो ग्राम कौंच के बीज के चूर्ण में एक ग्राम गोखरू के बीज के चूर्ण और 5 ग्राम मिश्री को मिला लें। इसे दूध के साथ खाने से काम शक्ति बढ़ती है। बराबर मात्रा में कौंच के बीज, गोखरू, अपामार्ग बीज, छिलका रहित जौ और उड़द ले लें। इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर गाय के दूध में मिलाकर या फिर पकाकर इसका सेवन करें। इससे सेक्सुअल स्टैमिना में बढ़ोतरी होती है। शरीर या कमर दर्द में भी कौंच के बीज काफी फायदेमंद साबित होते हैं। आजकल की जीवन शैली और व्यस्तता दिनचर्या के कारण कई लोग शरीर के दर्द की शिकायत करते हैं। शरीर में या फिर कमर में दर्द की समस्या हो तो रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाते हैं। वहीं बार बार दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करना ठीक भी नहीं होता है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधि और प्राकृतिक उपचार फायदेमंद साबित होते हैं। कौंच भी एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसके प्रयोग से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक यानी कि दर्द नाशक गुण दर्द से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में कोई सटीक वैज्ञानिक स्टडी नहीं हुई है। ऐसे में इसका प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। कौंच के बीज का सेवन इतनी मात्रा में करें कि यह नुकसान ना पहुंचाए। कौंच के बीज का चूर्ण 3 से 6 ग्राम से ज्यादा नहीं करना चाहिए और इसका काढ़ा 20 से 50 मिलीलीटर से ज्यादा ना करें। कौंच के बीज को लेने से पहले कई सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसका सेवन ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कौंच की तासीर गर्म होती है जिससे गर्भवती और बच्चे को हानि हो सकती है। कौंच या कौंच के बीज चूर्ण के फायदे बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए बच्चों को कौंच से दूर रखें तो बेहतर होगा। इसमें एंटी न्यूट्रिशन प्रभाव है, लेकिन इसके ज्यादा सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की कमी और कमजोरी भी हो सकती है। ऐसे में इसे एमिनो एसिड के साथ सेवन करने से उल्टी, सिर दर्द, जरूरत से ज्यादा नींद आने की समस्या हो सकती है। कौंच के बीज के सेवन से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी इस्तेमाल ना करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।